गाइस आज मैं सर्वाइव करूंगा 100 डेज ऑन स्काई ब्लॉक। वैसे मैंने कभी स्काई ब्लॉक ट्राई तो नहीं किया है, लेकिन आज 100 डेज सर्वाइव करूंगा। तो स्काई ब्लॉक में होता क्या है कि एक सेकंड, ये तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है स्काई ब्लॉक में। तो चलो 100 डेज सर्वाइव कर लेंगे और देख लेंगे क्या होता है स्काई ब्लॉक में। और हाँ, इस वीडियो को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि ये वीडियो मुझे दो बार एडिट करनी पड़ी। जब मैंने पहली बार एडिट करी थी तो सॉफ्टवेयर भाई ने मुझे धोखा दे दिया और पूरा प्रोजेक्ट उड़ा दिया, इसलिए मैंने दोबारा एडिट करी है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। और हाँ, मेरी दो बार की मेहनत के लिए इस वीडियो पे मैं लाइक एम रख रहा हूँ 25K लाइक्स का, करा देना। तो चलो सर्वाइव करते हैं 100 डेज ऑन अ स्काई ब्लॉक। डे वन को स्पॉन हो गया था मैं स्काई ब्लॉक पर और मेरे हर तरफ सिर्फ आसमान ही आसमान था। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे चार आइलैंड दिखाई दिए अपने आसपास, और जब मैंने थोड़ा सा और ध्यान से देखा तो उन चार आइलैंड के पीछे एक एक आइलैंड और था। और मैंने ध्यान दिया कि जिस आइलैंड पर मैं खड़ा हूँ उस आइलैंड के नीचे भी एक आइलैंड है जो कि थोड़ा माइनशाफ्ट जैसा दिख रहा था। और मेरे आइलैंड पे एक चेस्ट भी रखी हुई थी जिसके अंदर थोड़ा सा सामान रखा था जो कि मैंने कलेक्ट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे घास फूस जो लगे हुए थे उसको मैंने तोड़ दिया जिससे मुझे सीड्स मिल जाएं, जिससे मैं थोड़ी सी खेती बाड़ी करके अपना पेट पाल सकूं। और यहाँ पे एक पेड़ भी लगा हुआ था जिसमें मुक्के मार मार के मैंने उसको तोड़ दिया, और उससे मिली हुई वुड से मैंने अपने लिए टूल्स बना लिए। और जो मुझे चेस्ट से सामान मिला था उससे मैंने एक छोटा सा कोबलस्टोन जनरेटर बना दिया जो कि मेरे बहुत ज्यादा काम आएगा। और वैसे भी अगर स्काई ब्लॉक में कोबलस्टोन जनरेटर नहीं बनाया तो क्या बनाया। और जो पेड़ मैंने तोड़ा था उससे मुझे मिल गई थी दो सैपलिंग, तो वो मैंने यहीं की यहीं लगा दी जिससे और पेड़ उग सके। और फिर मैं लग गया कोबलस्टोन को कलेक्ट करने में। और तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरे जो आइलैंड के नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे थोड़े से आयरन के ओर हैं जो कि मैंने सारे तोड़ लिए। एंड जितना भी मैंने कोबलस्टोन कलेक्ट किया था उसकी मैंने स्लैब बना ली और अपने आइलैंड से एक दूसरे आइलैंड की तरफ चलने लग गया मैं। और मैं पहुंच गया था एक ऐसे आइलैंड पे जहाँ पे मुझे बहुत सारी हरियाली दिखी जो कि मैंने तोड़ ली। और मुझे सामने ही दिख रहा था एक आइलैंड जिसके ऊपर एक स्पॉनर रखा हुआ था और दो चेस्ट भी थी। और यहाँ पे एक कंपोस्टर भी रखा हुआ था जिसको मैं कलेक्ट करना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको तोड़ा इसके नीचे एक चेस्ट रखी हुई थी जिसके अंदर बहुत सारी सैपलिंग रखी हुई थी। फिर मैं अपने आइलैंड पे वापस आ गया और इस जगह से मुझे कैल्प भी मिल रहा था, तो मैंने कैल्प को लगा दिया यहाँ पे जिससे मुझे मिल गया था एक और बकेट पानी जिससे मुझ पे अब अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन गया था। और मैं फिर से लग गया कोबलस्टोन को कलेक्ट करने में, और कोबलस्टोन की स्लैब बना के मैं चल दिया दूसरे आइलैंड की तरफ। मैंने सोचा ये तो एक नॉर्मल विलेजर है जो कि एकदम नल्ला है, लेकिन जब मैंने उसकी ट्रेड्स चेक करी भाई वो तो हर चीज में डील कर रहा था। मतलब इससे जो चाहो वो ले सकते हो, ये तो मुझे डायमंड्स भी दे रहा था और उसी के साथ स्पॉनर, पॉन एग और इलाइटर और ट्राइडेंट भी दे रहा था। सही में ये तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी तगड़ी ट्रेड्स कर रहा था। फिर उस विलेजर आइलैंड के पीछे एक विलेजर पोस्ट वाला आइलैंड भी मुझे दिखाई दे रहा था। मैंने देखा यहाँ पे एक कैंप फायर रखी हुई है जो कि बुझी हुई है, तो उसका क्या ही काम होगा, तो मैंने उसको तोड़ दिया। लेकिन उसके नीचे मुझे दिख गया था एक स्पॉनर जो कि विलेजर स्पॉन करने लग गया था। फिर अपने आइलैंड पर आने के बाद सबसे पहले तो मैंने एक शील्ड बनाई क्योंकि भाई इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे। और फिर मैं वापस आकर प्लेजर आउटपोस्ट पर और उसके ऊपर लगा दी एक स्लैब, और इनकी चेस्ट में बहुत ज्यादा बढ़िया सामान रखा हुआ था जो कि मैंने कलेक्ट कर लिया। और हाँ, मैं फिर से लग गया कोबलस्टोन कलेक्ट करने। और फिर मैंने अपने आइलैंड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और फिर से कोबलस्टोन कलेक्ट करने लग गया। उसके बाद मेरे आइलैंड पर जितनी भी डर्ट थी मैंने एक एक डर्ट कलेक्ट कर ली क्योंकि मुझे पता है इस वर्ल्ड में डर्ट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सारी डर्ट कलेक्ट कर ली और उसकी जगह पे कोबलस्टोन लगा दिए, और मैं उस पर बहुत सारे कोबलस्टोन हो चुके थे तो मैंने उस विलेजर से कोबलस्टोन की ट्रेड कर ली और मुझे चार एमराल्ड्स मिल गए थे जिससे मैंने ले लिए तो कॉबवेब्स जिससे मैं अपने लिए बेड बना सकूं। फिर मैं पानी की हेल्प से आ गया था माइनशाफ्ट वाले आइलैंड पर, और मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे ग्लोइंग इंक सैंक रखे हुए हैं और एक एक करके ग्लोइंग ऑक्टोपस, ऑक्टोपस ही बोलते हैं ना इनको, हाँ स्क्विड, हाँ तो ग्लोइंग स्क्विड आके मर रहे हैं और बहुत सारी ग्लोइंग इंक सैंक ड्रॉप कर रहे हैं जो कि मैंने कलेक्ट कर ली। और यहाँ पे एक चेस्ट भी रखी हुई थी जिसके अंदर दो डायमंड्स रखे हुए थे। मैंने तो सोचा ही नहीं था डायमंड भी मिल जाएंगे, तो मैंने डायमंड कलेक्ट कर लिए। यहाँ से थोड़ी सी आयरन, एक नेम टैग और दो गोल्डन एप्पल मिल गए थे जो कि मैंने कलेक्ट कर ली। और मैं वापस आ गया ऊपर, और ऊपर आने के बाद मैं बनाने लग गया कोबलस्टोन जनरेटर 2.0 और फिर से कोबलस्टोन कलेक्ट करने लग गया। और कोबलस्टोन कलेक्ट करते करते मैं देख रहा था कि आधे से ज्यादा कोबलस्टोन तो लावा के अंदर ही गिर जा रहे हैं, तो मैंने बना ली थी थोड़ी सी चेस्ट और फिर बना ली थी दो हॉपर। वैसे मुझे एक ही हॉपर बनाना था, दो हॉपर तो जोश जोश में बन गए और मेरा सारा आयरन भी वेस्ट हो गया। फिर ये हॉपर और चेस्ट मैंने लगा दी थी अपने कोबलस्टोन फार्म में, और अब एक कोबलस्टोन भी वेस्ट नहीं हो रहा था मेरा। जितने भी कोबलस्टोन तोड़ रहा था मैं सारे चेस्ट के अंदर ही आ रहे थे डायरेक्ट। और फिर से मैंने उस विलेजर से ट्रेड कर ली और अपने लिए कॉबवेब्स ले लिए, और अब फाइनली मैंने बना लिए थे तीन वूल जिससे मैंने अपने लिए एक बेड बना लिया। और अब मैं सोच रहा था एक एक्सपी फार्म बनाने के लिए जिससे मुझे बहुत सारा एक्सपी भी मिल जाएगा, और जो भी वो मॉब सामान ड्रॉप करेंगे उसकी ट्रेड मैं उस विलेजर से भी कर सकता हूँ जहाँ से एमराल्ड भी आ जाएंगे। तो उसके लिए चाहिए था बहुत सारा कोबलस्टोन जिसको मैं कलेक्ट कर रहा था, और बहुत टाइम के बाद मैंने सारा कोबलस्टोन कलेक्ट कर लिया था जितना भी मुझे चाहिए था। और उसके बाद मैं बनाने लग गया था एक एक्सपी फार्म।
दिए गए अपना एक्सपी फार्म, जहाँ से मुझे बहुत सारा एक्सपी मिलेगा और थोड़ा सा सामान भी मिलेगा जिसकी ट्रेड करके मैं एमरल्ड ले सकता हूँ उस विलेजर से। और जितना मैंने सोचा था ये फार्म उससे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा था। यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स आए जा रहे थे जिसको मार के मुझे काफ़ी सारा एक्सपी मिल रहा था और लिटरली थोड़ी देर में मेरा 20 एक्सपी भी होने वाला था। फिर एक्सपी फार्म से जो मुझे सामान मिला था उसकी मैंने ट्रेड कर ली उस विलेजर से, जहाँ से मुझे 32 एमरल्ड्स मिल गए जिससे मैंने 8 डायमंड्स ले लिए थे अपने लिए। फिर मैं आ गया था अपने कॉबलस्टोन जनरेटर पर, जहाँ से मैं बहुत सारा कॉबलस्टोन तोड़ने लग गया जिससे मैं अपने आसपास के एरिया को थोड़ा सा अपग्रेड कर सकूँ। तो बहुत सारा कॉबलस्टोन का लगकर निकला मैं अपने आसपास के एरिया को अपग्रेड करने लग गया। मैंने अपने आइलैंड को थोड़ा सा बड़ा कर दिया और यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड बना दिया जहाँ पे मैंने सारे ट्रीज लगा दिए, जहाँ से मैं ट्रीज तोड़ के वुड कलेक्ट कर सकता हूँ। और मैंने हर आइलैंड के लिए रास्ते भी बना दिए। और जो डेजर्ट वाला आइलैंड है इसमें मुझे एक चेस्ट भी मिली थी जिसके अंदर थोड़ा अच्छा सामान रखा हुआ था जो कि मैंने सारा ले लिया। और यहाँ पे एक रून नेदर पोर्टल भी था जिसके अंदर भी एक चेस्ट रखी हुई थी जो कि मैंने ले ली, जहाँ से मुझे थोड़ी सी गोल्डन कैरेट्स मिल गए, एक गोल्ड के बूट्स मिल गए और फालतू का सामान मिल गया। उसके बाद मैंने उस विलेजर से थोड़ी सी ट्रेड कर ली और फिर मैंने अपने लिए बना ली थी एक डायमंड की पिकेक्स और एक डायमंड की एक्स। और अभी भी मुझ पर 10 डायमंड बचे हुए थे तो मैंने अपने लिए एक डायमंड की चेस्ट प्लेट भी बना ली और 2 डायमंड बचे थे तो मैंने सोचा अब इनको कहां ही रखूंगा, तो उसकी भी मैंने डायमंड की सॉर्ड बना ली। और देखो धीरे धीरे मेरे डायमंड के आर्मर और टूल्स पूरे कंप्लीट होते जा रहे हैं। फिर मैंने बहुत सारे ट्रीज तोड़ के उनसे वुड कलेक्ट कर ली और फिर 8 ऑब्सीडियन की ट्रेड कर ली उस विलेजर से। फिर मैं आ गया था उसी स्पॉनर के आइलैंड के पास जो कि मैंने सबसे पहले देखा था और इसके ऊपर 2 चेस्ट भी रखी हुई थी जिसमें कुछ खास सामान तो रखा नहीं था, लेकिन जितना भी सामान रखा था मैंने सारा कलेक्ट कर लिया। और उसके बाद मैंने अपग्रेड कर दिया था अपने कॉबलस्टोन फार्म को। पहले इससे बस एक बार में एक ही कॉबलस्टोन तोड़ सकते थे, लेकिन इस बार मैंने 2 कॉबलस्टोन के लिए बना दिया था, मतलब एक बारी में 2 कॉबलस्टोन तोड़ सकते हैं। एंड उसके बाद मैं आ गया था अपने रून नेदर पोर्टल पर और वहां पर जितना भी क्राइंग ऑब्सीडियन था वो मैंने सब तोड़ दिया और उसकी जगह पे लगा दिया था अपना ऑब्सीडियन। और उसके बाद लाइट अप कर दिया था नेदर पोर्टल और फिर मैं चला गया था नेदर के अंदर। और नेदर के अंदर जाते मुझे एक बढ़िया सा स्पॉन तो मिल ही गया था और मेरे पोर्टल के आसपास काफी ट्रीज थे जहाँ से मुझे वुड भी मिल जाएगी अच्छी खासी। फिर पोर्टल के आसपास मैंने थोड़ी सी छानबीन करी जहाँ से मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस मिल जाए, लेकिन नेदर फोर्ट्रेस मिला नहीं तो मैंने ज्यादा ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी क्योंकि उसका जितना भी सामान होता है वो तो उस विलेजेस से मैं ट्रेड कर ही सकता हूँ। लेकिन नेदर से मैंने बहुत सारी शूम लाइट कलेक्ट कर ली जो मैं अपने वर्ल्ड में जाके लगा दूंगा जिससे अंधेरे की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से मैंने बहुत सारी शूम लाइट कलेक्ट कर ली और मैं वापस आ गया ओवरवर्ल्ड में। और ओवरवर्ल्ड में आने के बाद कॉबलस्टोन तोड़ने लग गया और मैं अपने एक्सपी फार्म से मॉब्स को मार के एक्सपी कलेक्ट कर रहा था, थोड़ा सा सामान कलेक्ट कर रहा था, लेकिन तभी ये हो गया। क्या ही बोलूं, चलते चलते ऐसे ही फेंक देता हूं मैं तो। और मैं आ गया था अपने विलेजर के पास और जितनी भी मैंने वुड तोड़ी थी मैंने उसकी ट्रेड कर ली उससे और एमरल्ड कलेक्ट कर लिया। और मेरे पास बहुत सारा कॉबलस्टोन रखा हुआ था जो कि मैं लेके आ गया इस विलेजर के पास और उसकी ट्रेडिंग कर ली जिससे मुझे काफी सारे एमरल्ड्स मिल गए। और उन एमरल्ड से खरीद लिया था मैंने एक स्पॉनर। और अब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे कौन सा स्पॉन एग खरीदना है, क्योंकि जो भी मैं स्पॉन एग लूंगा ना उससे कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि मेरा एकदम वर्ल्ड को बदल डाले, मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करे और आसान बना दे इन 100 डेज को। तो मैंने काफी ज्यादा डिसाइड किया और मैंने देखा कि ये विलेजर 16 ब्लेज रॉड में 16 एमरल्ड्स देता है जो कि एक अच्छी डील है। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लेज का स्पॉन एग ले लेते हैं, लेकिन ब्लेज का स्पॉन एग 64 एमरल्ड्स का था। तो मैं जल्दी से एमरल्ड कलेक्ट करके लाया और फिर इससे ट्रेड कर ली 64 एमरल्ड से एक ब्लेज स्पॉन एग की। उसके बाद मैं अपने कॉबलस्टोन फार्म से और बहुत सारे कॉबलस्टोन लेके आ गया जिसकी इससे ट्रेडिंग कर ली मैंने। और इससे जितने भी एमरल्ड्स मिले थे उससे मैंने सैंड ले ली और थोड़ा सा और सामान ले लिया जिससे कि मैं बना सकूं अपना ब्लेज फार्म नेदर के अंदर। तो इससे मैंने सारा सामान ले लिया और सैंड को लगा दिया था स्मेल्ट होने के लिए जिससे मुझे ग्लास मिल सके। एंड मैंने अपने कॉबलस्टोन फार्म से बहुत सारा कॉबलस्टोन भी कलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे लगा दी थी 4 स्प्रूस की सैपलिंग और उन पे मार दिया था बोन मिल जिससे एक बहुत बड़ा ट्री यहाँ पे खड़ा हो गया था। और जब तक मैं ये कर रहा था तब तक सारे ग्लास मेल्ट हो गए। तो सारे ग्लास को कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया था नेदर के अंदर अपना नया ब्लेज फार्म बनाने के लिए।
और अब मेरा ब्लेस फार्म तो एकदम रेडी हो चुका था, यहाँ पे स्पॉनर भी लग चुका था। अब एंड का काम करना था, जो कि था इसके अंदर ब्लेस का स्पॉन एग डालना, जो कि मैंने डाल दिया और बहुत सारे ब्लेस भी स्पॉन हो गए थे और मैं इससे बाहर निकल गया। जब मैं नीचे पहुंचा तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ब्लेस आ चुके थे जिनको मैं मारने लग गया, और जब मैं इनको मार रहा था तो ये ब्लेस रॉड भी ड्रॉप कर रहे थे, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और मैं यहाँ पे बहुत देर खड़ा रहा और उन ब्लेस को मारा, जिनसे मुझे काफी सारी ब्लेस रॉड मिली, और टोटल 48 ब्लेस रॉड कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया था उस विलेजर के पास ट्रेड करने, और 48 ब्लेस रॉड से मुझे मिले थे 48 एमरल्ड्स, जो कि एक अच्छी डील थी। देन मैंने एक और स्पॉनर ले लिया और एक छोटे से आइलैंड पर मैं बनाने लग गया था छोटा सा फार्म, जहाँ से मुझे थोड़ा सा खाना मिल सके, क्योंकि पेट को पालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, कुछ भी खाने को मेरे पास था ही नहीं। तो उस फार्म पे मैंने थोड़े से सीड्स लगा दिए और मैं वापस लौट गया था ब्लेस फार्म पे, और वहाँ पे बहुत सारे ब्लेसेस को मारा, ब्लेस रॉड कलेक्ट करे और अपने विलेजर को बेच दिए, जहाँ से मुझे एमरल्ड्स मिल गए। और भी एक्सपी फार्म से जो सामान मिला था उसको भी बेच दिया, और उन एमरल्ड्स से मैंने ले लिया था एक विलेजर का स्पॉन एग, क्योंकि अब मैं बनाने वाला था एक विलेजर हॉल, और इस स्पॉनर से और एग से मैं विलेजर्स को भी स्पॉन कर सकता हूँ। फिर मैं एक्सपी फार्म से थोड़ा सा सामान कलेक्ट करने लग गया, और जो भी सामान मुझे मिला था वो मैंने विलेजर को सोल्ड कर दिया, जहाँ से मुझे थोड़े से एमरल्ड्स मिले। और फिर मैं आ गया था उसी लंबी ट्री पे जो कि बहुत बड़ा था, और उससे मैंने सारी वुड तोड़ दी और सारी कलेक्ट कर ली, और इस ट्री से भी मुझे सैपलिंग मिल गई थी चार, जिनको मैंने दोबारा लगा दिया और एक लंबा ट्री फिर से खड़ा कर दिया। एंड मेरे पास काफी सारी बोन मिल थी जो कि मैंने अपने फार्म पे लगा दी और अपनी क्रॉप को ग्रो कर दिया। फिर मैं आ गया था विलेजर के पास एक चीज चेक करने की, ये डर्ट की ट्रेड करता क्या, और ये डर्ट की ट्रेड करता था 4 एमरल्ड के अंदर 32 डर्ट, जो एक बढ़िया डील। फिर मैंने अपने लिए थोड़ी सी स्कैफोल्डिंग्स बना ली, और मेरे पास जितना भी एमरल्ड था उससे मैंने डायमंड की ट्रेड कर ली, और उन डायमंड से मैंने बना लिया था अपने लिए एक डायमंड का हेलमेट, और अभी 3 डायमंड बच रखे थे तो मैंने सोचा डायमंड के सॉल्ट फिर से बना ले, और फिर एक डायमंड बचा था तो मैंने सोचा डायमंड का शवल भी बना ही लेते हैं। और अब धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है डायमंड का आर्मर। और मैं दोबारा आ गया था अपने ब्लेस फार्म पर, जहाँ से मैंने बहुत सारी ब्लेजेस को मारा और उनसे ब्लेज रॉड कलेक्ट कर दी, और सारी ब्लेज रॉड को मैंने बेच दिया था उसी विलेजर को, और मिल गए थे मुझे काफी सारे एमरल्ड्स, और मुझे जितने भी एमरल्ड्स मिले थे उससे मैंने काफी सारा सामान ले लिया अपना नया विलेजर हॉल बनाने के लिए, जहाँ पर मेरे विलेजर एकदम आसानी से रह सकें। एंड वुड कलेक्ट करने के लिए जो स्प्रूस वाला मेरा पेड़ था वो भी मैंने पूरा तोड़ लिया, जहाँ से मुझे काफी सारी वुड मिल गई, और सारी वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने अपना विलेजर हॉल बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरे पीछे देखो विलेजर हॉल कितना मस्त लग रहा है यार, मुझे तो सही में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और इसके अंदर जाके मैंने रख दिया था स्पॉनर, और उसमें मार दिया था विलेजर का स्पॉन एग, और जैसे मैंने स्पॉन एग उसमें मारा वैसे 2 विलेजर स्पॉन भी हो गए थे। फिर मैंने यहाँ पे थोड़े से बेड लगा दिए और वर्क स्टेशन भी लगा दिए, जिससे ये आराम से जॉब कर सकें और मुझे एमरल्ड दे सकें। और एक विलेजर से मैंने काफी सारी ट्रेड कर ली, जिसके बाद वो मुझे कुक्ड पॉक चॉप देने लग गया था, जो कि मुझे सबसे बढ़िया लगता है। देन मैं दोबारा आ गया था अपने ब्लेज फार्म पे ब्लेज रॉड कलेक्ट करने। इस काम को करते करते मैं सही में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। ब्लेज रॉड को मैंने दोबारा बेच दिया और एमरल्ड ले लिए, और मैं चला गया था नेदर के अंदर, जहाँ से मैंने बहुत सारे क्वार्ट्ज कलेक्ट कर लिए, क्योंकि मैं अपने लिए एक नया घर बनाने वाला था। विलेजर के लिए घर बना सकता हूँ तो अपने लिए नहीं बना सकता क्या? तो नेदर से मैंने काफी सारे क्वार्ट्ज कलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं चला गया था विलेजर के पास, और उससे मैंने थोड़ा सा सामान ले लिया अपना नया घर बनाने के लिए। और उसके बाद मैंने एमरल्ड देके इस विलेजर से थोड़े से डायमंड ले लिए, और उन डायमंड से अपने लिए बना ली थी एक डायमंड की लेगिंग्स, और जस्ट अब बूट्स ही बचे थे अपने पूरे डायमंड के आर्मर को कंप्लीट करने के लिए। और मैं अपने विलेजर हॉल में ऐसे घूमने आ गया था, तभी मैंने देखा कि यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन हो गया। देखो गाइस, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, विलेजर हॉल के साथ साथ मैंने यहाँ पे आयरन फार्म भी बना लिया। अब मैंने इस आयरन गोलम को मार दिया, इससे आयरन कलेक्ट कर ली, और ऐसा ही किया करूंगा अब आयरन लेने के लिए। उसके बाद मेरे पास थोड़ी सी वुड रखी हुई थी, जो कि मैंने विलेजर को दे दी, और उससे एमरल्ड ले ली, और उन एमरल्ड से मैंने ले लिए थे डायमंड्स, और मैंने इससे 4 डायमंड्स ले लिए थे, जिसके मैंने बना लिए थे डायमंड के बूट्स। और अब मैं कम्प्लीटली कवर हो चुका था पूरे डायमंड के आर्मर में, और देखने में भी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा था। और उसके बाद मैंने अपने लिए घर बनाना स्टार्ट कर दिया। Thank you.
और गाइस मेरा फाइनली घर रेडी हो चुका है। देखने में कुछ ज्यादा खास तो नहीं लग रहा, लेकिन जैसा भी अपना घर है। और यहाँ पे मैंने डर्ट के ब्लॉक लगा दिए जिससे ग्रास ट्रांसफर होकर वहां तक पहुंच जाए। और जब गेट खोल के इसके अंदर जाते हैं तो सामने बेड्स रखे हुए हैं, राइट साइड में चेस्ट है और लेफ्ट साइड वाली दीवार मैंने खाली छोड़ रखी है एन्चेंटमेंट टेबल के लिए। और इसके ऊपर भी एक छोटा सा कमरा मैंने बना रखा है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं इस विलेजर के पास वापस आ गया और सोचने लग गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं एक छोटा सा एनिमल फार्म भी बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं चला गया था नेदर के अंदर, और नेदर के अंदर जाके वही मैंने ब्लेजेस को मारा। और ब्लेज रॉड को कलेक्ट करने के बाद मैं वापस आ गया था ओवरवर्ल्ड, और यहाँ पे एक्सपी फार्म से मैं एक्सपी और थोड़ा सा सामान कलेक्ट कर रहा था। लेकिन तभी गलती से एक क्रीपर फट गया, और क्रीपर के फटने के बाद यहाँ का पूरा एरिया उड़ गया, और ऊपर से जो मॉब्स आ रहे थे वो मुझ पर हमला करने लग गए। तो मैं बच बचा के यहाँ से भाग के निकला। फिर मैंने थोड़े से कोबलस्टोन कलेक्ट किए और फाइनली डिसाइड कर लिया था कि मैं नीचे हॉपर लगा दूंगा, तो थोड़े से हॉपर भी बना लिए। और फिर मैं आ गया था अपने एक्सपी फार्म पे, उसको रिपेयर करने लग गया मैं। और रिपेयर होने के बाद उसके नीचे लगा दिए थे मैंने हॉपर्स और चेस्ट, जिससे जितने भी मैं मॉब्स मारूंगा उसका सामान डायरेक्ट चेस्ट के अंदर जाएगा। फिर जो मैं ब्लेज रॉड कलेक्ट करके लाया था उसको मैंने बेच दिया इस विलेजर को, और उससे एमराल्ड ले लिया, और उन एमराल्ड से ले लिया था मैंने एक स्पॉनर। फिर मैं सोच रहा था किसका स्पॉनर लिया जाए, तो मैंने यहाँ से एक काउ का स्पॉनर ले लिया जिसको मार के मैं लेदर भी ले सकता हूँ, जिससे मैं बुकशेल्फ बना के अपने एन्चेंटमेंट टेबल को भी पूरा कर सकता हूँ। और यहाँ से मैंने थोड़ी सी डर्ट भी ले ली थी उस फार्म को बनाने के लिए। और उसके बाद मैं अपने घर के सामने यहाँ पे थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म बनाने लग गया जहाँ पे मैं वो फार्म बना सकूँ। और जो मेरे घर के आसपास ग्रास के ब्लॉक थे उनको मैंने डर्ट के ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया इस प्लेटफॉर्म से, जिससे वो ग्रास ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ जाए, क्योंकि बिना ग्रास के वो स्पॉनर काम नहीं करेगा। और इस प्लेटफॉर्म के हर तरफ मैंने फेंसेस भी लगा दी जिससे जानवर नीचे नहीं गिर जाए। और मैंने यहाँ पे फाइनली रख दिया था स्पॉनर जिसके अंदर पिग्स डिफॉल्ट आ गए थे, मतलब मैंने कुछ भी लगाया नहीं था, लेकिन अभी पिग्स स्पॉन नहीं हो रहे थे क्योंकि मुझे पता था जब तक ग्रास नहीं आएगी जब तक कुछ भी स्पॉन नहीं होगा। और मैं आ गया था अपने फसलों के पास और मैंने सारी फसल उठा दी, क्योंकि मैंने सोच लिया था यहाँ पे एक शुगर केन फार्म बनाने के लिए जहाँ से मुझे पेपर मिल जाएगा जिसके मैं बुकशेल्फ बना सकता हूँ। तो मैंने पूरा फसल का फार्म मॉडिफाई कर दिया और उसको बना देते एक शुगर केन का फार्म। और एक दो दिन के अंदर ये पूरा प्लेटफॉर्म ग्रास में कवर हो चुका था, और यहाँ पे सुअर भी स्पॉन होने लग गए थे उस स्पॉन एग से। फिर मैं यहाँ पे आया और उन सुअरों की ब्रीडिंग करा दी मैंने, जिससे इनकी तादाद थोड़ी सी बढ़े जाए। और यहाँ पे काफी सारे सुअर भी स्पॉन हो चुके थे, तो मैं गाय का स्पॉन एग लाया और उस स्पॉनर में मार दिया, जिससे यहाँ से गाय भी स्पॉन होने लग गई। और जैसे यहाँ पे एक गाय स्पॉन हुई मैंने उसको मार दिया, जहाँ से मुझे लेदर मिल गई और उससे मैंने बना ली थी पहली बुक। फिर मैं चला गया था विलेजर के पास और उससे ट्रेड कर ली थी ऑब्सीडियन और थोड़े से डायमंड्स, और उससे मैंने बना लिया था एक एन्चेंटमेंट टेबल जहाँ से मैं अपने टूल्स और आर्मर पे एन्चेंटमेंट कर सकता हूँ। लेकिन एन्चेंटमेंट करने के लिए मुझे थोड़े से बुकशेल्फ भी चाहिए, तो उसको बनाने के लिए मुझे बहुत सारा पेपर और लेदर चाहिए। तो मैंने कुछ दिन तक बहुत सारी गायों को मारा और उसी के साथ साथ शुगर केन भी कलेक्ट किया, जिससे मैंने काफी सारी बुक्स बना ली, और उन सारी बुक्स से मैंने बना लिया था बुकशेल्फ, और उन बुकशेल्फ और एन्चेंटमेंट टेबल को लगा दिया था मैंने घर के अंदर। लेकिन अभी भी ये एन्चेंटमेंट टेबल कंप्लीट नहीं हुआ था, मुझे थोड़े से और बुकशेल्फ चाहिए थे, तो मैंने उसी प्रोसेस को दोबारा किया। और काफी सारे बुकशेल्फ मिलने के बाद फाइनली मैंने पूरे एन्चेंटमेंट टेबल को कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद चला गया था ब्लेज फार्म पर ब्लेज रॉड कलेक्ट करने, और वहां से ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद मैंने बेच ही दिया था अपने विलेजर को, और उन एमराल्ड से मैंने ट्रेड कर लिया था लैपिस लाजुली की, जिससे मैं अपने टूल्स और आर्मर को एन्चेंट कर सकूं। और फिर आ गया था मैं अपने एन्चेंटमेंट टेबल पर अपने टूल्स को एन्चेंट करने के लिए, और मेरी जो एक्स और पिकेक्स थी उन पर पहली बार में अच्छी एन्चेंटमेंट मिल गई थी। लेकिन डायमंड के सॉर्ड पर मुझे चाहिए थी बढ़िया बढ़िया एन्चेंटमेंट, जो कि मुझे मिल ही नहीं रही थी। और मैंने एक बो भी बना लिया था जिसपे अच्छी एन्चेंटमेंट मिल गई, लेकिन इन्फिनिटी नहीं मिला था, तो मैंने दूसरा बो बना लिया और उस पर एन्चेंटमेंट लगाने लगा। लेकिन फाइनली बो पे इन्फिनिटी वाली एन्चेंटमेंट मिल गई थी, तो मैंने दोनों बो को मिक्स कर दिया और अच्छी बो तैयार हो गई थी फाइनली मेरे पास। लेकिन अभी भी डायमंड के सॉर्ड पर अच्छी एन्चेंटमेंट नहीं लगी हुई थी, तो मैं एक्सपी फार्म पे गया, वहाँ पे बहुत सारे मॉब्स को मारा, एक्सपी कलेक्ट किया, और उसके बाद थोड़े से और लैपिस लाजुली ले लिए मैंने, और उसी के साथ साथ दो डायमंड के ओर ले लिए थे मैंने। और उन डायमंड के ओर को जब मैंने अपनी फॉर्च्यून की पिकैक्स से तोड़ा तो मुझे 60 डायमंड मिल गए थे, तो मैंने एक नई डायमंड के सॉर्ड बना ली उनसे, और उसके बाद दोनों पे एन्चेंटमेंट लगा दी, तो अच्छी खासी एन्चेंटमेंट मिल गई। फिर मैंने दोनों को मर्ज कर दिया, जिससे एक अच्छी सी सॉर्ड तैयार हो गई थी, और बच्चे कुछ डायमंड से मैंने अपनी पिकेक्स और एक्स को रिपेयर कर लिया। उसके बाद मैं चला गया था नेदर के अंदर ब्लेसेस को मारने के लिए और चेक करने के लिए कि मेरी लूटिंग के सॉर्ड कैसा काम कर रही है। और थोड़ी देर में मैंने काफी सारी ब्लेस रॉड कलेक्ट कर ली, वो भी बहुत ज्यादा आसानी से, और मैंने विलेजर को बेच दी वो रॉड और एमराल्ड्स ले लिए, और उन एमराल्ड से मैंने ले लिए थे शीप के स्पॉन एग। उसके बाद खाने का मैंने एक छोटा सा फार्म बना लिया जहाँ पे मैं वीट उगाने लग गया, और सारी वीट कलेक्ट करके और जो स्पॉन एग लिया था शीप का वो मैंने स्पॉनर में मार दिया, और शीप भी स्पॉन होने लग गई। और जब जब शीप स्पॉन होते आ रही थी मैं उससे वूल कलेक्ट करते जा रहा था, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि मैंने सोचा था एंडर ड्रैगन को ऐसे मारने में तो बड़ी दिक्कत है, तो बेड से फोड़ फोड़ के मार दूंगा। तो मैंने बहुत सारी वूल कलेक्ट कर ली, और थोड़ी सी अपने विलेजर भाइयों के लिए भी बेड लगा दिए, क्योंकि वो इतने दिनों से सोए नहीं थे। और उसके बाद मैं चला गया था नेदर के अंदर, और मेरे नेदर पोर्टल के पास ही ये ग्रीन वाली बायोम थी,
जहाँ पे एंडरमैन मिलते थे। तो वहां पहुंचने के बाद मैंने एंडरमैन की बहुत ज्यादा सुताई कर दी और सुताई करते करते वो एंडर पल भी ड्रॉप कर देते जो मैं कलेक्ट कर लेता था। और टोटल 12 एंडर पल को लेने के बाद मैं ओवरवर्ल्ड चला गया और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था मैंने आई ऑफ एंडरमैन। और मैं यहाँ पे आ गया था एंड पोर्टल के पास और एंड पोर्टल में सबसे पहले तो ये स्पॉनर तोड़ा मैंने। स्पॉनर तोड़ने के बाद एक्टिवेट कर दिया था एंड पोर्टल को। फिर थोड़ी सी तैयारी करने के बाद फाइनली मैंने जंप लगा दी थी पोर्टल के अंदर। और ये माइनक्राफ्ट वाले ने बहुत ज्यादा दूर स्पॉन कर दिया इस बार तो। तो ब्लॉक लगाते लगाते मैं पहुंच गया था मेन आइलैंड के पास और उसके बाद मैंने फाइट शुरू कर दी एंडर ड्रैगन से। और गाइस फाइनली मैंने एंडर ड्रैगन को मार दिया और उसी के साथ साथ काफी सारी एक्सपी मिल गई यहाँ से। अब एक्सपी कलेक्ट करनी हुआ करेगी तो मैं एंडर ड्रैगन को ही मार दिया करूंगा सीधे। आर यू कॉमेडी मी। उसके बाद मैंने यहाँ से अंडा भी ले लिया और मैंने देखा अभी तो 2 दिन बच रखे हैं तो क्या करूंगा इन 2 दिन के अंदर। तो मैं चला गया था नेदर के अंदर, वहां से काफी सारी ब्लेसेस को मैंने मारा जिससे ब्लेस रॉड मुझे काफी सारी मिल गई और उन सबको बेच दिया था मैंने अपने विलेजर को। और जितने भी मुझे एमरल्ड मिले थे सबके मैंने ब्लॉक बना लिए और इसी विलेजर के पास में लगा दिए। और उन नेदर पोर्टल के ऊपर जो गोल्ड के ब्लॉक रखे हुए थे 2 वो मैंने कनेक्ट कर लिए और उनसे मैंने बना ली थी काफी सारी प्रेशर प्लेट जो कि मैंने विलेजर के नीचे लगा दी क्योंकि गोल्ड के ब्लॉक तो बहुत ज्यादा महंगे हो जाते। और फाइनली हो चुकी थी डे 99 की शाम, यानी अब जब मैं सो जाऊंगा तो हो जाएगा डे 100। तो मैंने जल्दी से बेड पर क्लिक कर दिया और उसी के साथ साथ हो गया था डे 100, यानी मैंने 100 डेज सर्वाइव कर लिए थे स्काई ब्लॉक में। और 100 डेज सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा मजे भी आए। और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो लाइक एंड पूरा करवा देना। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक लाइक गुड बाय।